दूध पी गई बिल्ली। मारिया 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 मारिया, कहा भी था कि दूध देख लेना, बिल्ली पी गई ना। तुम्हें तुम्हारे पीने के लिए लेकर आती हूँ कि तुम्हारी जान बने। अब तो जान जाने का वक्त है नहीं, आप आने की बात करिए। बकवास मत करो, नाउम्मीदी गुनाह है। उसकी दी हुई उम्मीद ने कौन सी खुशी दी है अम्मी, जो नाउम्मीदी के गुनाह से डरूं। सब ठीक हो जाएगा देखना तुम, मैं दे आई हूँ कागजात। क्या कहा उसने? रख लिए हैं। रख लेने का मतलब फेंक दिए होंगे किसी टोकरी में? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। जो धोखा देते हैं वो धोखा देने से पहले धोखेबाज लगते नहीं हैं अम्मी। धोखा धोखा वो क्यों देगी, फ्री में केस लड़ रही है। जैसे मैं उसे फ्री में मिली थी ना, मैं ये होती तो संभाल के रखता, तलाक नहीं देता। तलाक नहीं हुई, कितनी बार कहा है कि हमल में तलाक नहीं होती। और अगर उसने कहा कि साबित करो ये बच्चा मेरा है, तो उसका है बच्चा, वो कितने भी इल्जाम लगा ले, सच तो यही है ना। वो अमीर है अम्मी, और जो वो कहेगा उसकी बात सच होगी, और जो हम बोलेंगे वो बात झूठ। तुम फिक्र क्यों करती हो, दो दिन बाद इस वकील की शादी है, और जैसे ही वो शादी से फारिग होगी वो हमारा केस फाइल कर देगी और तुमसे भी मिलने आएगी। अल्लाह करे उसकी जिससे शादी हो रही है वो ऐसा ना हो, धोखा देने वाला, झूठी कसमें खाने में छोड़ के चले जाने वाला। साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबुल असोड जान, साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबुल असोड जान, साडे लंबे उड़ारिए साडे लंबे उड़ारी वे, असा मुड़ने आना, साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असोड जाना। अपने गांव आया। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। हाँ पढ़ा था मैंने। फिर आए क्यों नहीं? क्या करता आगे? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस नाते तुम्हें मेरी खुशी में शामिल होना चाहिए था, बल्कि मेरी रुखसती के वक्त भी तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। फरीशा
मुझसे बिछड़कर जाते हुए अपने देखे नहीं जाते। ये बिछड़ना भी क्या बिछड़ना हुआ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कल तुम मेरी शादी में आ रहे हो। मैं बता चुका हूँ कि मैं अपने गांव आया हूँ। तो गांव तुम्हारा कौन सा इतनी दूर है जो तुम कल नहीं आ सकते हो? एक्चुअली मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मेरी फूफो की डेथ हो गई है। वो कल जनाजा है उनका, तो मुझे माफ कर देना। ओह सॉरी, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम गांव क्यों गए हो, अपनी ही बात करती चली गई। अल्लाह ताला तुम्हारी फूफो की मगफिरत फरमाए। ठीक है, अपना ख्याल रखो तुम, खुदा हाफिज़। और तुम अपनी बेटी को मिलने नहीं गए? बताया तो है मैं कहीं नहीं गया। सबूत दे दूं? तुम किन चक्करों में पड़ी हो नजमा? तुम्हारे ही दिए हुए सब चक्कर हैं जो मेरे जहन को घुमाए रखते हैं। रास्ता रुकाई। ओके, हुक्म करें। 100K। अम्मा ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखो तुम, दाखिल। सॉरी फरीशा, जिंदगी में अपनी मोहब्बत के सच को हमेशा छुपाया तुमसे, और आज झूठ बोल दिया। वहीद पूछ रहा था तुम्हारा। मेहंदी के फंक्शन को खत्म हुए 2 घंटे हो गए और हमारे घर से उस घर का फासला 20 मिनट का है। बाकी 100 मिनट यकीनन कहीं और गुजारे होंगे तुमने। मैं वहीद के घर से घर ही आया हूँ भाई, मेहंदी के फंक्शन के बाद शादी की कुछ प्लानिंग वगैरह करते रहे। तुम्हें तो पता मुझसे मशवरा किए बगैर वहीद कोई काम नहीं करता। और तुम अपनी बेटी को मिलने नहीं गए? बताया तो है मैं कहीं नहीं गया। सबूत दे दूं? तुम किन चक्करों में पड़ी हो नजमा? तुम्हारे ही दिए हुए सब चक्कर हैं जो मेरे जहन को घुमाए रखते हैं। तुम्हारे हर सच पे भी मुझे झूठ का गुमान होता है। इतने झूठ बोल चुके हो तुम, और वो तुम्हारी बेटी, हर दिन उसकी नई पोस्ट लगती है। तरस आता है मुझे अब कोई उस जैसा लड़का देख कर, ना उसकी शादी कर दो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमारी बेटी की तो सभी लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारी नजर उतार रही हूँ, सभी तो बाहर नजर लगाए बैठे थे। बेटा चांद पे तो सबकी नजरें होती है ना भाई। ये चला। सुनो, मेरे कमरे की अलमारी में कुछ चीजें रखी हैं, वो जरा उठा के ले आना। क्या बात है बेटा, परेशान हो? वो मेरा दोस्त है ना लकी। हाँ हाँ, तुमने बताया था कि वो आएगा। हाँ, अचानक से उसकी फूफो की डेथ हो गई, इसलिए आ नहीं सका वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा एक मुकर्रर वक्त पे तो सभी को जाना है। आज तुम्हारी माँ भी बहुत याद आ रही है बेटा, इतनी जल्दी चली गई हो। मैं खुद को बहुत
अकेला महसूस करता हूँ। तो क्या बाबू, हम दोनों हैं ना आपके पास? बेटा मुझे तो अभी से ये घर बहुत सोना सोना लगने लगा। मैंने तो कहा था कि अभी मेरी शादी मत करें आप। देखो बेटा, एक ना एक दिन तो ये होना ही होता है ना। चलो अच्छा, ये वाके वक्त हो गया, और देखो खानदान भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह लड़का भी बहुत अच्छा है। रिया, दरवाजा खोलो। रिया मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। सब बातें खत्म हो चुकी हैं शाहजमान। रिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, दैट्स इट। पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। रिया प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं समझ चुकी हूँ, अब तुम समझो। मैं तुम्हारी खुशी को किसी सूरत खुशी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या करोगी तुम? हाँ क्या करोगी? वक्त आने पर बता दूंगी। अभी तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस बुलवा लूंगी। ये देखो भाई, हमारी बेटिया की ज्वेलरी आ गई। कैसी अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। ओह ब्यूटीफुल है ना? बहुत अच्छी लग रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? ऐसी एसिडिटी हो गई थोड़ी सी। जाएं जल्दी से एसिडिटी का सिरप लेकर आए अब्बू के कमरे से। ठीक है आप? ठीक हूँ बेटा, अभी ठीक हो जाऊंगा। अब मुझे आपकी फिक्र हो रही है। क्यों फिक्र करती हो? ये फलिया है ना मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे पास। और बेटा सारा दिन तो मैं फैक्ट्री में बिजी होता हूँ, और तुम्हारे असलम अंकल है ना मेरे साथ, वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखते। अब्बू अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ फैक्ट्री भी जाया करूंगी। बहुत अच्छी। वहां ना मैं आपके खाने पीने पर नजर रखूंगी, कहीं आप कोई बदपरहेजी ना कर ले। लो अभी से माँ बन गई है मेरी बेटी, देखो जरा। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह बहुत सारे काम भी करने, ठीक है ना? हाँ फलिया, बेटा मैंने वो ब्यूटी पार्लर फोन कर दिया, तुम फरीशा को लेके वहां चले जाना, और हाँ 3 बजे का टाइम है, ठीक है? जी ठीक है। अब्बू का ख्याल रखना है तुम्हें बहुत, खाना भी ठीक तरह नहीं वो खाते, सब ऑयली चीजें खाते। और तो देखो कहती भी रहती हूँ मेडिसिन टाइम से खाओ, लेकिन वो कोई ख्याल ही नहीं रखते।
रानी हा? देख कैसी लग रही हूं मैं हा? अरे वाह, इस उम्र में तो माएं बेटियों को तैयार करती हैं, आप तो खुद सच के आ गई हैं। तारीफ हरगिज ना करना तू। आज तक अब्बा ने कौन सी आपकी तारीफ की है? वो तो है ही कंजूस बंदा। एक खबर लाई हूं मैं। अब खुशी के मौके पर कोई कोई मरहूस खबर ना सुना देना। भाई के ससुराल से खबर है। क्या खबर है? भाभी को पूरे 10 तोले का जेवर पहना रहे हैं वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारा ही है ना वो भी। लेकिन तुम्हें किसने बताया? उनकी छोटी बेटी है ना, उससे बात हुई थी मेरी। अच्छा, नसीब वाली है वो, और एक मैं हूँ जिसे लाल चुनरी देकर दुल्हन बना दिया गया। बस तूने कौन सा घर से बाहर जाना था, वहीं रहना था, वहीं पहनना था। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अम्मा देख लेना कहीं वो हमें 10 तोले सोने पे तरखा ना दे। ले, ऐसे कैसे हो सकता है? जो लड़की को इतना जेवर दे रहे हैं तो दिल खोल के जहेज भी देंगे ना। देख ले, अगर उन्होंने कुछ ना दिया तो। चुप, ये शोहर की तरह तो मत निकालना, वरना तेरी तोती निकाल के ना हथेली पे रख दूंगी। जल्दी से तैयार हो और बाहर आ। चल चल। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई मैं तो तुम्हें कब से बता रहा हूँ बहन। भाई बैंक वालों को बताओ ना कि मेरी बेटी की शादी है, 2-4 दिन में कुछ करके दे देंगे। तुम क्या समझते हो मैंने कहा नहीं होगा? भाई वो नहीं मानते। असलम भाई मैंने लोगों को चेक दिए हुए हैं, अकाउंट फ्रीज होने की वजह से मेरी बड़ी बदनामी होगी। अब क्या किया जा सकता है? वो तो कह रहे थे कि अब आज फैक्ट्री को सीज कर देंगे। असलम यार कुछ करो प्लीज, प्लीज कुछ करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। भाई मेरे पास तो बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा यही कुछ 4 या 5 लाख होंगे, मैं तो वही दे सकता हूँ ना बस। ये बेटा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो फरीशा को लेकर वहां पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है ओके। असलम तुम एक काम करो ना, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं ना 4-5 लाख रुपए, वो तुम जाके हॉल वालों के पास जमा करवा दो। ठीक है? चलो ठीक है ओके। अम्मा जो कुछ भी लेना देना ना उसका हिसाब किताब पहले से ही क्लियर कर लेना। पागल हो गई है, इतने बड़े लोग हैं, ये छोटी छोटी सी बातें अच्छी नहीं लगती। भाई ताई बकाओ देख लेना, कहीं ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन गई तो। तेरी तो, चुप करके चल। अम्मा तूने देखा था अब्बा कितनी फ्राक दली से नोट लुटा रहे थे? कितनी दफा समझाया लेकिन इस बंदे की चुदराहट नहीं खत्म होती। मेरी बात सुनो, अगर कुछ भी नुकसान हुआ ना तो अम्मा अब्बा को छोड़ने वाली नहीं है। रास्ता रुकाई। ओके हुक्म करें। 100K। अम्मा ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। क्या मांग रही है? 1 लाख। है? ना करना। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? पापा बीच में ना बोले, ये हक है मेरा। ओके ये हम सो रहे हैं।
हाँ बेटा, कुछ कम करवा लो बेटा। यहाँ भाव नहीं कर सकते अबू, इज्जत कम हो जाएगी तेरे। नज़र? अब जी दे दो पूरे। पूरे? अच्छा रानी दे। दे दो अम्मा दे दो। हाँ किसी से मंगवा लो ना, इतनी वैल्यू तो है ना हमारी मार्केट में। जिसे मांगेंगे वो उसके साथ इंटरेस्ट भी तो लेगा। ओहो भी दे देना, क्या हो गया तुम्हें? औरतें बता रही थी कि सूट भी बड़े महंगे डिजाइनर से बनवाए इन्होंने। पर तुम हिसाब करते करते थक जाओगी नुज़ुर बेगम, देखना जितना लगाया है उससे ज्यादा ही कमाएंगे। रानी मुझे तो तेरे डाउट में ना खोट नजर आ रहा है, अभी तो इतनी सारी रस्में बाकी हैं भाई। अम्मा फिक्र ना करें, अभी हमारी रस्में भी रहती हैं। वो तुम अम्मा को थोड़ी दोगी, अभी निकाह तो होने दे फिर देखेंगे। सब लोग देख रहे हैं, चले आ जाए। हाँ हम किस नगर जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ये दरवाजा क्यों खुला अभी तक? पापा जी के इंतजार में। मैंने सोचा कि आ जाएं तो एक बार ही लॉक कर दूंगा। उसे शादी का बहाना मिल गया है, आके कोई ना कोई झूठ बोल देगा। और आप सुन लेंगे? सुनती हूं पर अब यकीन नहीं करती। बंद कर दो दरवाजा, मुझे लगता है वो आज नहीं आएगा। नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं चला जाएगा, बहुत ठिकाने उसके पास। अब मम्मी पापा की लड़ाई में मेरी अकल तो काम करना छोड़ देती है। वरना की नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से।
कुछ लोग आ चुके हैं, और लोग भी आ रहे हैं, हो जाएगा साइन में। वहीद जरा बात सुनो। खैरियत है? क्या कुछ पकवा लिया तुमने? मटन कौन पकवाता आजकल, ऊपर से रोस्ट रहो भी मटन का, पता है 10 लाख का बिल बना दिया ना। कोई बात नहीं, दे देंगे। बात है ना, मेरे पास 5 लाख को मैंने दे दिए, बाकी भी देने हैं। भाई किसी से मंगवा लो ना, इतनी वैल्यू तो है ना हमारी मार्केट में। जिससे मांगेंगे वो उसके साथ इंटरेस्ट भी तो लेगा। वो भी दे देना, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बेटी का सदका समझ के दे देना ना। अच्छा मैं कुछ कर दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे भाई, ठीक ठाक? मैं कोई लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल टाइम पे आए। देखो ना, अभी तो निकाह भी नहीं शुरू हुआ। अच्छा, लोग भी आ रहे हैं। खालिद भाई, आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ? हाँ 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 हाँ, बताए। 5 लाख रुपए असलम ने दिए हैं और 5 लाख रुपए हॉल का खर्चा, खाना वगैरह है, अब 10 लाख रुपए। हाँ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। असलम जी, मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूँ, तुम उनसे जाके ले लो। जी बेहतर। तुम्हें मेरी गाड़ी का पता? मुझे माफ कर दो खालिद भाई। माफी तब मिलेगी जब तुम अपनी बेटी को हमेशा उसका हक दोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। अगर ऐसा ना किया तो गोली से भी सस्ती कर दूंगा तुम्हारी मैं जिंदगी। कैसी बात कर रहे हैं खालिद भाई, भला मुझे नहीं पता होगा तो किसको होगा। चले फिर ले लें जाके। जी बेहतर। मैंने तुम्हें बहुत पहले भी समझाया था कि इन जैसे लोगों से बचा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात खालिद भाई, इंसान से जिंदगी में एक का दफा दो गलती हो ही जाती है। फॉरगेट अबाउट इट, ठीक हो जाए। वहीद भाई, निकाह शुरू करवाएं? जी जी मारो, तुम बैठो खालिद, मारो। आइए मौली साहब, बिस्मिल्लाह करें। आइए आइए। रहमत, क्या क्या लिखवाया निकाहनामे में? हक मेहर शरई। वो तो अच्छा है, अब और? और क्या, सब कुछ निकाहनामे में लिखवाएंगे क्या? वो तो मुझे पता है, औरतें बता रही थी कि सूट भी बड़े महंगे डिजाइनर से बनवाए इन्होंने। पर तुम हिसाब करते करते थक जाओगी नुज़ुर बेगम, देखना जितना लगाया है उससे ज्यादा ही कमाएंगे। फरीशा वल्द वहीद खान, आपका निकाह शाह जमान वल्द रहमत अली से बहक्के शरई हक मेहर 51,000 रुपए तय पाया है, आपको कबूल है? जी कबूल है। आमीन। Thank you.
ग्लास में जरा पानी डाल। लो भाई, हमारा खाना तो बहुत मजे का है, लेकिन ये गोश्त मटन लगता है मुझे तो। मटन तो है लेकिन गोश्त किसी बूढ़े बकरे का है। बकरे तो है ना, आजकल तो मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हुआ हुआ है, इन्होंने तो फिर मटन बनाया है। अम्मा क्यों ना वलीमे पे हम भी मटन बनवाए हैं? मैं जरा मेहमानों को देखूं। अगर अम्मा ने मटन ना बनाया तो मैं जरा मेहमानों को देख लूं। जाओ भाई, देखो मेहमानों को। तूने तो रंग का सूट देखा? मैं तो ज्वेलरी देख रही थी, इतना सोना डाल दिया। मुझे की तो लॉटरी लग गई। हाँ तू जल भुन जा, तेरा बस काम ही यही है। यार उसका मेकअप तो देख, ऐसा लगता है किसी महंगे पार्लर से तैयार हुई है। तुम भी उसी पार्लर से मेकअप करवा के एक फोटोशूट करवा लो। हाँ ठीक है। अरे उसके जूते तो देख, लगता है ब्रांड से स्पेशल बनवाए। बहू भी तो स्पेशल है ना मेरी। वो तो है आंटी। खाओ तुम लोग। हाँ जी खाला, खाना सही था ना खाया आपने? खाना बहुत मजेदार था। नसीब वाली है जिसे ऐसे माँ बाप भी है। माँ बाप नहीं, सिर्फ बाप, उसकी माँ नहीं है, ये दो बेटियां ही हैं इनकी सिर्फ। एक की तो शादी होगी, दूसरी के भी होनी है। मैं तो कहती हूँ मेरे बेटे की भी साथ ही बात करवा दो। खाला उन्हें खूबसूरत रिश्ता चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख होता है, काश मेरा एक और भाई भी होता तो मैं उसकी शादी दूसरी बहन से करवा देती। मेरा बेटा भी तो तुम्हें बहन समझता है रानी। खाला आप समझी नहीं, मैंने कहा उन्हें खूबसूरत रिश्ता चाहिए, खूबसूरत। जर्दा खाए आप? मोहब्बत भी बिछड़ने के लिए बहाने ही ढूंढती है, चाहे वो किसी आशिक की खामोशी ही क्यों ना हो। माँ भाई को इशारा करो कि ग्लास ना पकड़े। रानी पीने देना, दूध तो सेहत के लिए अच्छा होता है।
तो फिर आप भी पर्स में हाथ डालना शुरू करें ताई। चुप। पहले दूध पिलाई। ओके, बताएं। हमारी तो एक ही जबान है, 100K।